हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सॉइल रिसोर्सेज पार्ट 4.2। पहले पार्ट में हमने देखा सॉइल प्रोफाइल और एलुवियल सॉइल के बारे में। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, इसलिए हम बाकी सॉइल आज करने वाले हैं। तो इसी तरह थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लीजिए जो हमने पिछले इसमें मॉड्यूल में पढ़ा है। चलिए, ये सब मॉड्यूल्स हम पढ़ चुके थे, यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है ब्लैक सॉइल। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक सॉइल का अकरेंस। ये कहाँ मिलती है ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा? नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू। नॉर्थ वेस्ट, ये देखिए, ये पूरा एरिया हम इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, और इस डेक्कन प्लेटू का ये है नॉर्थ वेस्ट। दिस एरिया इज़ नोन एज डेक्कन ट्रैप। इसको बेसाल्ट रीजन भी कहा जाता है। डेक्कन प्लेटू का कौन सा एरिया? नॉर्थ वेस्ट का रीजन, जिसे डेक्कन ट्रैप या बेसाल्ट रीजन कहा जाता है। ये हमारा ब्लैक सॉइल वाला एरिया। इसके अलावा इसमें एरिया कौन कौन से करता है? प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, ये देखिए, प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड मालवा प्लेटू, ये मेजर एरियाज है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के कुछ छोटे से एरिया में भी ये पाई जाती है। इसके अलावा सब गोदावरी एंड कृष्णा रीजन के वैलीज़ में ये बेस मेजर एरियाज है जहाँ पे ब्लैक सॉइल इंडिया में मिलती है। याद रखिए, इंडिया की सबसे बेस्ट सॉइल इन इंडिया इज़ एलुवियल सॉइल, नेक्स्ट आफ्टर एलुवियल सॉइल इज़ द ब्लैक सॉइल, एंड दीज आर द एरियाज अगेन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, एरियाज ऑफ सौराष्ट्र, देन सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ऑल्सो कमिंग दैट। चलिए फीचर्स देखते हैं इसके। इट हैज़ सेकेंड नेम, ब्लैक सॉइल हैज़ सेकेंड नेम एंड थर्ड नेम ऑल्सो। सेकेंड नेम ऑफ द ब्लैक सॉइल इज रेगूर सॉइल, सेकेंड नेम इज रेगूर सॉइल, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ऑन दिस सॉइल। अलग अलग तरह के क्रॉप उगाए जा सकते हैं उस पर, बट बेस्ट, दिस इज बेस्ट फॉर कॉटन, पर कपास के लिए, कॉटन के लिए ये बेस्ट सॉइल है, इसीलिए इसकी वजह से इसको तीसरा नाम भी मिल गया, कॉटन सॉइल। पहला नाम क्या मिला इसे? ब्लैक सॉइल, दूसरा रेगूर सॉइल, तीसरा कॉटन सॉइल। अरे बनती कैसी है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। हम देखते हैं क्रस्ट के नीचे मैग्मा होता है, और जब वो मैग्मा वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू ज़मीन पे आता है तब हम उसको लावा बोलना चालू कर देते हैं। ये वो लावा है, और ये लावा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों बाद पूरी तरह ठंडा होकर एक हार्ड रॉक बन जाता है, जिसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। और वो इग्नियस रॉक के भी टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन द मिनरल कंपोजिशन इनसाइट। तो ये लावा जब सूखता है तब ये ब्लैक सॉइल बनता है, सूखने के बाद नहीं, इमीडिएटली नहीं, सूखने के बाद, और लाखों साल का पीरियड जाता है, उसके वेदरिंग फोर्सेस काम करते हैं, वो आगे चल के पाउडर बनता है। जब वो पाउडर बनता है तब ये ब्लैक सॉइल बनता है, और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें इस बीच इन्वॉल्व हो जाती है। पर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दो है, क्लाइमेट एंड द पेरेंट रॉक। इसके दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ब्लैक सॉइल ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुर सॉइल, बेस्ट फॉर कॉटन कल्टिवेशन, सो ऑल्सो नोन एज द कॉटन सॉइल, एंड फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। लावा के सूखने से जो इग्निस रॉक बनता है, उसी तरह ये सॉइल बनती है। और इसमें सबसे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखे एलुवियल सॉइल में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसमें भी होते हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर्स क्लाइमेट एंड पेरेंट रॉक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में क्या है? ये सब बहुत ज़्यादा क्लेई होती है। क्लेई मतलब चिकनी मिट्टी, जिसपे हम मटके घड़े वगैरह बनाते हैं, अर्थन पॉट्स बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लेई होती है ये सॉइल। और इसी क्लेई होने की वजह से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वाटर ये होल्ड कर सकती है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार कर दो तो काफ़ी लंबे समय तक कल्टीवेशन अगर ना भी किया जाए तो काम चल जाएगा। अब इसमें इस क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है इसमें? इसमें होता है सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट बहुत होता है, मैग्नीशियम बहुत होता है, पोटाश बहुत होता है, और लाइम। ये सब साइंस में आपने पढ़ी होंगे सारे एलिमेंट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत होती है। लेकिन एक चीज़ कम होती है, कौन सी? वो होती है फॉस्फोरिक कंटेंट, ये बहुत कम होता है। ये तीनों एग्जाम्पल है फॉस्फोरस के, ये तो केमिकल फॉर्मूला आपको पता होगा, ये और चीज़ मैच स्टिक्स वगैरह ये सब फॉस्फोरस से बनते हैं, तो फॉस्फोरिक एलिमेंट्स इसमें कम होता है। लेकिन जब ये सूख जाती है, जब इस पानी नहीं मिलता है, तो इसमें इस तरह के देखो क्रैक्स आते हैं। अगर आप मैं बेसिकली महाराष्ट्र में रहने वाला हूँ, तो महाराष्ट्र में जब हम गांव जाते हैं तो हम ये सॉइल बिल्कुल देखते हैं, समर में ऐसे क्रैक्स आ जाती है। और ये क्रैक्स से बेनिफिट ये होता है कि एरेशन बहुत अच्छा होता है, ज़मीन के अंदर हवा का आना जाना बहुत अच्छी तरह होता है, एरेशन जिसको हम बोलते हैं, दैट्स गुड फॉर एरेशन। ये देखिए, ये वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने नाउ इट्स। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है,
अगर आप फार्मर हो, आप इस एरिबल ब्लैक सॉरी ब्लैक सॉइल पे कल्टीवेशन करना चाहते हैं, तो आपको बहुत परफेक्ट होना पड़ता है। बारिश आने के पहले ही आपको सोइंग कर देनी पड़ती है। अगर आपने सोइंग करने में लेट कर दी और पहले बारिश हो जाए, ये सब मडी सॉइल हो जाती है। और ऐसे मडी सॉइल में आपके लिए अपने ट्रैक्टर को चलाना, या फिर अगर आप काउज बफेलोज का एनिमल्स का लाइफ स्टॉक का यूज़ करते हो, तब भी चलना बहुत आसान नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको कल्टीवेट करना मुश्किल हो जाएगा बारिश आने के बाद। इसलिए टाइमिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। ये कैसे बनती है? क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक। ये सॉइल बनती है क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक की, रॉक का जब पाउडर बनता है तब उससे बनती है। देखिए, तैयारी कर रहा था मैं, मुझे यहाँ पे इमेज लगानी थी पर भूल गया लगाना। ठीक, इस इमेज के क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक की इमेज लगानी थी मुझे यहाँ पे। तो रेड एंड येलो सॉइल डेवलप्स फ्रॉम क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, वन मार्क। इट कैन बी आस्क फॉर वन मार्क इन एग्जाम्स। अभी कहाँ मिलती है? पिडमॉन्ट जोन्स ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। पिडमॉन्ट जोन मतलब इसको बोलते हैं ना, किसी माउंटेन के कदमों के नीचे जहाँ से माउंटेन स्टार्ट होता है, ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक होता है वो एरिया। टॉप उसका अपोजिट है बॉटम। टॉप अलग चीज़ है, बॉटम अलग चीज़ है। किसी भी माउंटेन के बॉटम के पास, दैट इज पिडमॉन्ट जोन, मतलब किसी भी माउंटेन का बॉटम पार्ट। और ये है ईस्टर्न घाट, सॉरी वेस्टर्न घाट। देखिए, ये इंडिया में वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न साइड, तो आपको ये वाली यहाँ पे ज़्यादा सॉइल देखने मिलेगी। इसके अलावा आपको ये रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी, ओडिशा में भी देखने मिलेगी। थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक एग्जैक्टली नहीं हो सकता हूँ मैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ भी कुछ ऐसे एरिया में, यहाँ पे सब पार्ट्स ऑफ गंगा प्लेन, ये कुछ एरिया है, इसको गंगा प्लेन को समझ लीजिए, इतने एरिया में आपको ये सॉइल मिलेगी। अब इसका जो नाम है रेड एंड येलो सॉइल, देर इज़ अ रीज़न फॉर नेम रेड सॉइल। वाई इट इज़ रेड सॉइल? बिकॉज ऑफ आयरन कंटेंट। इट इज़ रेड बिकॉज इट कंटेंस हाई आयरन कंटेंट। लेकिन जब ये मॉइस्चराइज हो जाती है, जब ये हाइड्रेटेड हो जाती है, जब इसमें पानी आ जाता है सॉइल में, इसका कलर कुछ येलोविश हो जाता है। इट इज़ रेड बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, एंड इट इज़ येलो व्हेन इट इज़ इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब ये वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, देन इट लुक्स लाइक येलो। सो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से इसको एक कलरफुल नाम मिले। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल ना स्लाइड। लैटराइट सॉइल, देखिए हम जिस तरह सिक्वेंस वी आर फॉलोइंग, बेस्ट सॉइल वी टुक फर्स्ट एलुवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल, देन रेड एंड येलो सॉइल, देन लैटराइट सॉइल, देन एरिड सॉइल नेक्स्ट विल बी हैविंग। हम सिक्वेंस ऐसा है कि हाई फर्टिलिटी टू लो फर्टिलिटी कैपेसिटी, तो लैटराइट सॉइल से पहले वाले सॉइल से कम प्रोडक्टिव है। ये किस एरिया में होती है? हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। ऐसा एरिया है जहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है। ये टॉरिड जोन होना चाहिए, लेकिन वाटर बॉडी के नज़दीक भी होना चाहिए। ये वाला हमारा कुछ एरिया साउथ में, कुछ एरिया इस तरह से है। और इंटेंसिव लीचिंग की वजह से बनती है। इंटेंसिव लीचिंग मतलब यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पानी लगातार ज़मीन पे जमा हुआ रहता है और धूप भी रहती है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लीचिंग बोलते हैं। उससे थोड़ा सा अजीब सी सॉइल हो जाती है। ह्यूमस कंटेंट कम रहता है। क्यों कम रहेगा ह्यूमस कंटेंट? हमने देखा हाई टेम्परेचर एरिया, हाई टेम्परेचर में ज़्यादा धूप की वजह से, हीट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम रहता है इसमें। अगर आपको इस पर कल्टीवेशन करना है तो देयर इज़ अ कंडीशन, यू हैव टू यूज़ हाई लेवल ऑफ इरीगेशन। यू हैव टू इरीगेट योर लैंड, प्लस इन एडिशन यू हैव टू यूज़ सम मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इन दैट केस यू विल बी एबल टू कल्टिवेट दिस लैंड। अब एक एरियाज कौन कौन से हैं आप मैप में फॉलो कर सकते हैं? कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड हेरी एरियाज ऑफ आसाम। ये साउथ इंडियन स्टेट एंड आसाम के कुछ माउंटेन हिली एरियाज, ये यहाँ पे ज़्यादा असर में कुछ मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में भी ये अवेलेबल हो जाती है। और अगर इसमें प्रॉपर आपने इरीगेशन कर ली तो कौन कौन से क्रॉप आप बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं? टी, कॉफ़ी एंड कैशनट। टी, कॉफ़ी एंड कैशनट तीन तरह के क्रॉप्स हैं जो उसमें आप ग्रो करके अच्छा कमर्शियली बेनिफिट्स उठा सकते हो लैटराइट सॉइल से। बट यू नीड टू मेक द इन्वेस्टमेंट फॉर दैट पर्पस, इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। दैट वॉज अबाउट द लैटराइट सॉइल। एरिड सॉइल जिसको हम बोलेंगे ड्राई, एरिड सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ड्राई सॉइल। कलर वैरीज फ्रॉम रेड टू ब्राउन। क्या बोलेंगे उसका? इंटेंसिटी, इट वैरीज अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटीज। इट इज सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। सलाइन वी डिस्कस अर्लियर, पिछले वीडियो में हमने देखा है कि केमिकल प्रोसेस
रिएक्शंस होता है सॉइल के अंदर ज़्यादा समय तक पानी में रहने की वजह से, तो सैलिनिटी बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा सैलिनिटी रहेगी उतनी फर्टिलिटी कम रहेगी, उतनी अनफिट हो जाएगी सॉइल एग्रीकल्चर के लिए। और ये सैंडी अपने राजस्थान का थार डेजर्ट, कई तो आप लोग वहीं रहते होंगे तो कई ने विजिट किया होगा वहाँ पर, तो किस तरह की रेत होती है वहाँ पर, रेतीली सॉइल होती है और सलाइन होती है। बल्कि गुजरात का जो एरिया है जहाँ जिसको हम रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, डेजर्ट ही हॉट डेजर्ट ही समझ लीजिए, वहाँ पे तो इस सॉइल में इतना ज़्यादा सैलिनिटी है, इतनी ज़्यादा सैलिनिटी है कि उस सलाइन लैंड से हम सॉल्ट ऑप्टेन करते हैं। इट अगेन लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, देन डेजर्ट एरिया में होती है मोस्टली, गर्म एरिया में होती है, इसलिए ह्यूमस ह्यूमस की भी कमी होती है, मॉइस्चर एवेपोरेशन से मॉइस्चर उड़ जाता है तो पानी भी गीलापन नमी नहीं होती है, मॉइस्चर भी नहीं होता है। कंकर, थोड़े मोटे पत्थर जिसको हम कंकड़ बोलते हैं, वो यहाँ पे बड़े कॉमनली पाए जाते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट लैंड फॉर कल्टीवेशन, फॉरगेट अबाउट द रन ऑफ कच्छ, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, बट एवरी एरिड सॉइल इज़ नॉट रन ऑफ कच्छ, सब उसके जैसे नहीं होते। तो लेकिन अगर आपको कल्टीवेशन करना है तो आपको इरीगेशन करनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स मैन्यूर्स सब डालना पड़ेगा यहाँ पे, और शायद लैटरेट सॉइल से ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ेगा। मतलब अगर आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर करना है तो इन्वेस्टमेंट लेवल भी हाई रहेगा। और सबसे ज़्यादा फाउंड कहाँ होती है, ये वेस्टर्न राजस्थान, पाकिस्तान के बॉर्डर का जो हमारा राजस्थान है जिसको हम मेनली डेजर्ट के नाम से पहचानते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगले इस पर, फॉरेस्ट सॉइल, ये हमारी आखिरी सॉइल है। अब इसको सिक्वेंस में मत लीजिए, ये थोड़ी बेटर होती है कल्टीवेशन के लिए एज़ कम्पेयर टू एरिड सॉइल एंड लैटरेट सॉइल। ये मिलती है माउंटेन्स पे, जनरली मिलती है माउंटेनियस रीजन्स, ये माउंटेन रीजन अरावली विंध्य सतपुड़ा हिमालयस, मोस्टली ये हिमालयन माउंटेन रीजन में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। अब इसके क्वालिटी डिफेंड करता है, टेक्सचर वैरी करता है, टेक्सचर कैसे वैरी करेगा, ये माउंटेन हिमालय फॉर एग्जांपल अगर हिमालय के फुटहिल में है या हिमालय के हायर ऑल्टीट्यूड में, बहुत हायर ऑल्टीट्यूड में तो स्नो कवर्ड हिमालय वो तुमको पता ही है, लेकिन जहाँ तक वेजिटेशन होता है उस लेवल तक बॉटम से लेकर ऊपर तक क्वालिटी वैरी करती है। अब जितना लोअर लेवल पे आएंगे माउंटेन के आपको ये उतनी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। और जैसे जैसे आप ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे माउंटेन पे, इसकी कल्चरल एबिलिटी कम होती जाएगी, एग्रीकल्चर की योग्यता कम होती जाएगी। तो ये कैसी होती है, वैरी करती है, सब पूरी तरह ऐसे नहीं होती है, अलग अलग अल्टीट्यूड पे अलग अलग माउंटेंस में अलग अलग सरफेस पे होती है। लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, वैली साइड मतलब जहाँ से नदियाँ बहती है दो माउंटेन के बीच में, वहाँ पे होती है लोमी एंड सिल्टी। लेकिन अगर थोड़ा हायर अल्टीट्यूड पे जाओगे तो कोर्स ग्रेन, थोड़े रफ से पत्थर कंकड़ जैसा मैटर रहेगा। और वहीं अगर ये स्नो कवर्ड है, जैसे कि हिमालय जहाँ पे अपना स्नो कवर्ड हिमालय दिखते हैं, उसके नीचे अगर आप मिलेंगे तो देखोगे अगर स्नो हटा के, तो आपको एसिडिक मिलेगी और लो ह्यूमस वाली सॉइल मिलेगी। सो फॉरेस्ट सॉइल इज़ फाउंड लोअर पार्ट्स ऑफ द रिवर वैलीज, फर्टाइल सॉइल। तो अगर आपको अच्छी मतलब एग्रीकल्चर करना है फॉरेस्ट सॉइल में, तो आपको माउंटेन के फुटहिल्स के पास ही ज़्यादा रहना पड़ेगा, आपको बेस्ट सॉइल वही मिलेगी। चलो यहाँ पे हमने सारे सॉइल कवर कर लिए, पिछले वीडियो में हमने देखा एलुवियल सॉइल, यहाँ पे हमने देखा ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटरेट सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई पॉइंट नहीं समझा, तो आप कमेंट कीजिए, आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मेरी जो वेबसाइट है khansironline.com पे भी जाके क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हो, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं कुछ और फीचर्स, समरीज, पॉइंट्स वाइज डिस्क्रिप्शंस एंड वीडियोस के पीडीएफ्स वहाँ डालने का मेरा फ्यूचर प्लान है, वो भी करूँगा। तब तक अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस पर लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो, हाँ शेयर करोगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।